नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके स्कैम के बारे में। देखिए, मैंने अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैंने देखा कि किसी सज्जन व्यक्ति ने एक स्टॉक का नाम है जंप नेटवर्क, उसके बारे में कमेंट्स लिखा था कि जंप नेटवर्क को खरीदिए, यहाँ से ये 18 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों, उसको तो मैंने इग्नोर कर दिया। और देखिए, आप जरा देखें, मैं फोटो लगा रहा हूँ, उन भाई साहब का नाम था साहिल कांबले जी, और इन्होंने 3-4 बार कमेंट्स किया है जंप नेटवर्क के बारे में। तो ये कमेंट्स देख के तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने हो सकता है किसी ने डाल दिया होगा, लेकिन यही कमेंट्स मतलब जंप नेटवर्क के बारे में वही 18 रुपए का टारगेट मैंने एक वीडियो के कमेंट्स में और देखा, तो मुझे हो गया शक कि भाई कोई हो ना हो ये कुछ दाल में काला जरूर है। सेम कमेंट्स लेकिन इस बार जो डाला गया था वो किसी और के नाम से था, और वो नाम था रामचंद्र जी। आप फोटो देखिए, आपको रामचंद्र लिखा हुआ आ रहा होगा। इन्होंने भी वही बाई जंप नेटवर्क 12.65 रुपए इस समय इसकी प्राइस है, और 18 रुपए तक ये जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे तो सिर्फ दो वीडियो के अंदर कमेंट्स बॉक्स में मुझे नजर आए। अगर आपने YouTube के अंदर किसी वीडियो में देखा और कमेंट्स में अगर ऐसा ही जंप नेटवर्क के बारे में कोई सलाह दे रहा है बाइंग करने की, तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। देखिए, हमारी YouTube फैमिली है, आप सभी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको सावधान रहने के लिए हम सचेत करते रहें। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए दोस्तों, आज से कुछ समय पहले क्या होता था कि जब मोबाइल के अंदर मैसेज आते थे तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, रिटेल निवेशकों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आज से 1-2 साल पहले मोबाइल पे मैसेज आते थे कि आप इस स्टॉक को खरीदिए, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अगर आप पिछले 4-5 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर हैं तो आपके पास में नॉर्थ ईस्ट कंट्रैक्शन कंपनी NECC का मैसेज जरूर आया होगा। वो मैसेज 10 से 15-20 रुपए से लगातार आता था, मेरे पास भी आता था, और वहां से वो 100 रुपए तक गया, रिटेल निवेशकों को फंसाया गया उसके अंदर। और उसके बाद उसमें जैसे ही प्रमोटरों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, रिटेल निवेशकों को पूरा माल चिपका के बाहर आ गए, और मुझे लगता नहीं अब शायद वो पेन स्टॉक भी बन गया होगा। ऐसा ही आज से कुछ समय पहले हुआ था 7NR रिटेल में, मौर्य उद्योग में और एग्रोफोर्स के अंदर। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने कोई दोस्त है, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की कमाई एक प्रॉपर्टी को 2 या 3 करोड़ की उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी थी उसको बेच के, वही उनके मैसेज पे भी मोबाइल पे मैसेज आए 7NR रिटेल, एग्रोफोर्स और मौर्य उद्योग के बारे में, इन्हों को बाई करिए, बहुत बड़े मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाले हैं। उन्होंने अपने पूरे मेहनत के पैसे उसके अंदर लगा दिए और वो 3 करोड़ रुपए पूरे के पूरे डूब चुके हैं। इन तीनों स्टॉक के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था कि इसके अंदर ऑपरेटर का गेम है, जितना जल्दी हो सके आप इसके अंदर से बाहर निकल जाइए। उस समय 100 या 150 रुपए 200 के आसपास काम करते थे तीनों स्टॉक, अगर अब देखें तो ये 10 रुपए के आसपास काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही इन सबों को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटरों ने एक नया जाल बुनना चालू कर दिया है। जो पहले मैसेज भेजते थे किसी भी स्टॉक के लिए, वो अब मुझे लगता है यूट्यूब जो वीडियोज होते हैं स्टॉक मार्केट के, उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके वो वाला काम अब ये कर रहे हैं। अब बहुत सारे रिटेल निवेशक होते हैं जो वीडियो देख के स्टॉक बाई करते हैं, तो जैसे उनका जंप नेटवर्क के बारे में जब वो कमेंट्स में पढ़ेंगे कि 12 रुपए की प्राइस है और 18 रुपए तक जा सकता है, 50% का रिटर्न मिल सकता है यहाँ से, तो वो इसको यहाँ पे खरीदने के लिए भागेंगे। और लास्ट में दोस्तों होगा क्या, आप सब फंस के रह जाएंगे इस शेयर के अंदर, जितना अभी तक इससे पहले जितने भी शेयरों के अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जहां भी ऐसे मैसेज दिखाई दें आप इग्नोर करें, और जहां भी आपको किसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ऐसे नजर आ रहे हैं आप और लोगों को भी सचेत करें, और ये इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि सभी जानकारी
ये वाली कि ये ऑपरेटरों का एक जाल बुनना जा रहा है, तो सभी इससे दूर रहें। तो चले दोस्तों, जरा हम जम नेटवर्क की कुछ फंडामेंटल देखते हैं कि ये जो बताया जा रहा है कि भाई इतना हो सकता है, क्या फंडामेंटल में कुछ दम है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम देखें जंप नेटवर्क के बारे में, तो जो मार्केट कैप है वो इसका 126 करोड़ है। और दोस्तों सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये किसी भी स्टॉक को जो मैनिपुलेट करते हैं, वो हमेशा 100 करोड़ से नीचे, 100 करोड़ के आसपास की जो भी कंपनी होती है ये उसको मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि इन्हों को मैनिपुलेट करना बिल्कुल ईजी होता है। और जो इसके स्टॉक की जो प्राइस है वो 12.60 रुपये की है। जरा दोस्तों भाई एक बात बताइए, अगर आपको किसी शेयर के बारे में पता चलता है कि वो वहां से मल्टीबैगर साबित हो सकता है, डबल होगा, तो आप खुद खरीदेंगे ना पहले, या अपने रिश्तेदार को बताएंगे? ये थोड़ी है कि आप सोशल मीडिया पे और जो भी कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखेंगे कि भाई इस स्टॉक को खरीदो, यहां से इतना होने वाला है। ठीक है, ऐसा पागल कोई नहीं होता। यहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम है, रिटेल निवेशकों को फंसाया जा रहा है, आप सावधान रहें। बस हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को सचेत कर सकें, अपनी मेहनत की कमाई को इन ऑपरेटर्स के हाथ में ना जाने दें। जरा देखिए आप फंडामेंटल देखिए हमारा जम नेटवर्क का, प्रॉफिट देखिए 94 करोड़ का, मतलब FY20 के अंदर अभी तक जो 21 चल रही है, अभी तक 94 करोड़ का लॉस, इससे पिछले साल FY20 के अंदर 114 करोड़ का लॉस। ठीक है, FY19 के अंदर सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट, FY18 के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं, FY17 के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं, FY16 के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं, FY15 के अंदर 1 करोड़ का लॉस, FY14 के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं, FY13 के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं, FY20 के अंदर 1 करोड़ का लॉस, FY11 के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं। तो देखिए आपके सामने कंपनी की जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने रहा, इससे पहले कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं किया पिछले 2 साल, मतलब FY20 और जो 21 चल रहा है इसके अंदर 100-100 करोड़ का लॉस हो रहा है कंपनी के अंदर। अब आप ही सोचिए कि इस स्टॉक का बैकग्राउंड क्या है, इसकी जड़ जो नींव है वो कैसी है। ठीक है, तो अपनी मेहनत की कमाई को बिल्कुल भी इस स्टॉक से दूर रहें। फिर कह रहा हूं ये एक ऑपरेटर का जाल लग रहा है मुझको, इसलिए आपको इस शेयर से फंसना नहीं है। अब दोस्तों जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, आपको जो प्रमोटर हैं वो प्रमोटरों के पास में पिछले 2 साल से 1.84% का हिस्सा सिर्फ प्रमोटरों के पास में, तो इससे कंपनी का पता चलता है कि जो प्रमोटर हैं कंपनी के, उनको अपनी कंपनी के ऊपर कितना विश्वास है, वो हमको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे नजर आ रहा है। अरे इतनी अच्छी कंपनी होती तो जो प्रमोटर होते हैं उनको हिस्सा क्या 1.84% होता, और बाकी का जो पूरा हिस्सा है वो आप देख सकते हैं वो रिटेल पब्लिक के पास भरा पड़ा हुआ है 96.6.5%, लगभग 96% का हिस्सा रिटेल निवेशकों के पास में फंसा हुआ है। और अब मुझे जो लग रहा है कि ये जो है ना 96% का जो हिस्सा, इसके अंदर जो ऑपरेटर है वही है, वो अपना कुछ हिस्सा पक्का इससे बेच के बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए ये एक YouTube के वीडियो में एक स्कैम फैलाया जा रहा है ताकि रिटेल निवेशक खरीदें, इसकी कीमत को ऊपर ले जाया जाए और यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो अपना हिस्सा बेच के यहाँ से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि ऐसे जितने भी स्टॉक हैं उनसे दूर रहा करें बिल्कुल भी। ठीक है, NECC, मौर्या उद्योग, 7NR रिटेल, पता नहीं कितने ही इतने ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर आम निवेशकों को फंसाया गया था। तो उम्मीद करते दोस्तों ये जो ऑपरेटर्स का स्कैम हो सकता है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी सभी के पास पहुंच जाए। बाकी आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।